से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ऑल्सो विजिट ऑन आवर साइट द अभियांत्रिकी डॉट कॉम। सो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं सिंगली रिइंफोर्स कंक्रीट बीम को। सो बेसिकली जब भी हम बीम की बात करते हैं तो बीम के केस में बेसिकली अगर हम पोर्ट कंडीशन की बात करें तो दो तरह के पोर्ट कंडीशन होती है। वन इज द सिंपली सपोर्टेड एंड अनदर वन इज द कैंटिलीवर। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स व्हिच कम्स इन दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंपली सपोर्टेड बीम। तो अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें, ये वो बीम्स होते हैं जिनके दोनों एंड पर हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सो जनरली अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में क्या होता है, अगर हम उसमें न्यूट्रल एक्सल प्रोवाइड करते हैं तो बेसिकली जो सिंपली सपोर्टेड कंक्रीट बीम होते हैं उनमें जो डाउन साइड में टेंशन होती है और अपर साइड में कंप्रेशन होती है। बट इट इज ऑपोजिट इन द केस ऑफ द कैंटिलीवर बीम। सो कैंटिलीवर बीम के केस में अगर हम इसका डायग्राम प्लॉट करें तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो टेंशन है वो अपर साइड में होती है और जो कंप्रेशन है वो लोअर साइड में होती है। सो जनरली हमें पता है कि जो हमारा कंक्रीट है वो स्ट्रॉन्ग है कंप्रेशन के केस में, लेकिन टेंशन के केस में नहीं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, कंक्रीट में टेंसाइल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि जो वो टेंशन के साथ भी विथस्टैंड कर सके। सो इसलिए ये हमारे पास अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो अगर हमने सिंपली सपोर्टेड बीम का डिजाइन करना है तो जो हम टेंसाइल रीइंफोर्समेंट है वो लोअर साइड के लिए डिजाइन करें। और इन द केस ऑफ द कैंटिलीवर के केस में हम जो टेंसाइल रीइंफोर्समेंट है वो अपर केस में प्रोवाइड करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस डायग्राम से आपको पता लग रहा है कि अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर लोड लगाते हैं तो बेसिकली कंप्रेशन जो है वो अपर पार्ट में इंड्यूस होती है और टेंशन जो है वो लोअर पार्ट में इंड्यूस होती है। इसको हम एक एग्जांपल से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज इट इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो मैं इसको दोनों तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर मैं इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे लोड लगा, अगर ये देखो अगर मैं इसका लोड इसके ऊपर लगा रहा हूँ तो बेसिकली आपको पता लग रहा है, ये अगर मैंने लोड लगा तो बेसिकली क्या हो रहा है, मेरा बीम कैसे डिफ्लेक्ट हो रहा है इस तरह से। तो मीन्स टू से दैट जो टेंशन है वो लोअर केस में लग रही है और जो कंप्रेशन है वो अपर केस में लग रही है। और अब हम कैंटिलीवर का केस देखते हैं। कैंटिलीवर के केस में क्या होता है, हम जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करते हैं वन एंड में, इधर हमने उसको सपोर्ट किया है और इधर हमारा जो बीम है वो रन कर रहा है। तो ऑब्वियस है जब भी हम इसके ऊपर जो लोड लगाएंगे तो बेसिकली क्या होगा, जो कंप्रेशन है वो लोअर साइड में लगेगी और जो टेंशन है वो अपर साइड में लगेगी। तो इस तरह से हम जो है कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड बीम का डिजाइन करते हैं। तो बेसिकली अब हमने डिजाइन कैसे करना है, उसको सिंगली के लिए करना है या डबली के लिए करना है। सो बेसिकली इस केस में हम ज्यादा जो प्रेशर है वो सिंगली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम को डिजाइन करने या उसकी मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने में ही लगाएंगे। सो बेसिकली उसके लिए भी हमें पहले टर्म पता होनी चाहिए कि हम कौन कौन सी टर्म यूज करते हैं। आपको ये तो अंडरस्टैंड हो गया कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये कैंटिलीवर बीम है। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम की मैं बात करूँ, अगर आपको कोई पूछे तो सिंपली सपोर्टेड के केस में कंप्रेशन अपर जोन में और टेंशन जो है वो लोअर जोन में लगता है। और इन द केस ऑफ द कैंटिलीवर के केस में जो टेंशन है वो अपर और कंप्रेशन जो है वो लोअर पोर्शन में लगता है। इज इट? सो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी कौन कौन सी टर्म जो है वो इस केस के लिए आती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इस केस की बात करूँ, यहाँ पे मैंने सेक्शन ड्रॉ किया है सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम एंड डबली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम। सो सिंगली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम वो बीम होते हैं जिनमें हम जो टेंशन स्टील है ओनली टेंशन जोन में प्रोवाइड करते हैं। डबली रीइंफोर्स्ड के केस में हम जो है स्टील जो है वो कंप्रेशन जोन में भी जो प्रोवाइड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो टर्म समझते हैं, सबसे पहले हमारी टर्म आती है एन। आपको एन का पता लग रहा है, एन तो एन इज अ डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, तो एन जो
जो हमारा स्मॉल डी है, स्मॉल डी हमारा है इफेक्टिव डेप्थ। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। जो स्मॉल डी होता है वो ओवरऑल डेप्थ माइनस हाफ द डाया ऑफ द बार प्लस इफेक्टिव कवर। आप इफेक्टिव कवर भी माइनस कर सकते हो और क्लियर कवर भी जो है वो माइनस कर सकते हो। इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास जो है इफेक्टिव डेप्थ की जो वैल्यू है। और अगर मैं ओवरऑल डेप्थ की बात करूं, जो हमारा डी होता है कैपिटल डी, इट इज ओवरऑल डेप्थ। अगर मैं ओवरऑल डेप्थ की बात करूं तो ओवरऑल डेप्थ ऑफ है डी इज इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ प्लस हाफ द डाया ऑफ द बार प्लस क्लियर कवर। इज इट समहाउ क्लियर? आप देख रहे हो कि मैंने यहां से इसके हाफ से लेके यहां तक का डिस्टेंस इसको क्या लिखा है, इफेक्टिव कवर। सुनो, अगर आपको इफेक्टिव कवर दिया हुआ है तो उसका मतलब है इफेक्टिव कवर किसके बराबर होता है, हाफ द डाया ऑफ द बार प्लस जो क्लियर कवर होता है। सो इन दैट केस अगर आपको इफेक्टिव कवर दिया है तो आप जो है इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकालोगे, डी इज इक्वल टू ओवरऑल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर। तो इसमें आपको अलग से ये माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें पहले से ही जो इफेक्टिव कवर है टोटल दिया हुआ है इसका, हाफ द डाया ऑफ द बार एंड द क्लियर कवर। इज इट सो? अब हम आगे बढ़ते हैं नॉमिनल कंक्रीट कवर। नॉमिनल कंक्रीट कवर क्या होता है, जो कवर हमने प्रोवाइड किया होता है यहाँ पे जनरली हम 20 mm और 20 mm का कवर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बीम के केस में स्लैब के केस में ये डिफरेंट डिफरेंट होता है और इसकी जो कंडीशन होती है लाइक एनवायरमेंटल कंडीशन पे भी जो है कवर की थिकनेस जो है वो डिपेंड करती है। तो अगर मैं टेंसाइल रिइंफोर्समेंट की बात करूं, ये टेंसाइल रिइंफोर्समेंट क्या है, जो हमने एरिया ऑफ द स्टील प्रोवाइड किया है इन द टेंशन जोन, एंड ये हमारा है न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस बेसिकली हम एक्सयू कैलकुलेट करेंगे। सो ये हमारी क्या होती है, स्टील स्टिरअप होती है या एक हिसाब से आप लगा लो रिंग होता है, और दो एंकर बार जो है हम एंड पे प्रोवाइड करते हैं ताकि जो हमारा पूरा वो जॉइंट या स्ट्रक्चर बना हुआ है स्टील का वो प्रॉपर वे से जो स्टैंड कर सके, इसलिए हम एंकर बार भी जो है वो एंड पे प्रोवाइड करते हैं। ऐसे जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट द सिंगली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन आल्सो विजिट ऑन आवर साइट द अभियांत्रिकी.com। थैंक यू।